नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। मौसम समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा बड़ी अपडेट निकल कर आ रही मानसून की ताज़ा अपडेट, आपके राज्य में मानसून कब प्रवेश करेगा उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जल्द ही तेजी से गति पकड़ेगा और जिसके चलते दोस्तों कौन से राज्यों में कब दस्तक देगा उसकी पूरी जानकारी हम बताएंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हो। दोस्तों, वैसे तो 29 मई को केरल में मानसून दस्तक दे दी थी, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में मानसून का कोई अता पता नहीं, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट जारी हुई है। आईएमडी के मुताबिक 15 जून से देश के मध्य और मैदानी भागों में मानसून की गिरफ्तार आने की संभावना जताई जा रही है। अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में मानसून पहुंच जाएगा मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार। वहीं साथ ही साथ मध्य भारत और उत्तर के मैदानी इलाकों में भी वर्षा की संभावना जताई। भारत में वार्षिक वर्षा करीब 70% मानसून के मौसम से होती है। वहीं दोस्तों 29 मई को केरल में मानसून पहुंचने के बाद अभी तक जो है जून में औसत वर्षा 42% रही। वहीं दोस्तों राज्यों की बात करें तो फिर एक बार फिर से दक्षिणी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा हुई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, दक्षिण बंगाल, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। अब दोस्तों कहाँ कहाँ मानसून पहुंचेगा उसकी पूरी जानकारी बता देते हैं। दोस्तों, मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार माने तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानसून 27 जून के आसपास आने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार यूपी की बात करें तो यूपी में एक बार फिर से 15 जून तक जो है मानसून दस्तक दे सकता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून धीमी गति के कारण 2-3 दिन विलंब भी हो सकता है। बिहार की बात करें तो बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। 12 जून के आसपास बिहार मानसून की एंट्री होने की संभावना जताई जा रही है, बारिश की संभावना। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार 15 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून आ जाना चाहिए और 20 जून तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। दोस्तों, अलग अलग राज्यों की बात करें तो मानसून की स्थितियां एक बार फिर से ताज़ा अपडेट थी उसकी जानकारी बताएंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।